हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हमारे सामने में आज जो ई रिक्शा है, ये बैक्सी कंपनी की है। और आप लोगों ने देखा होगा, बैक्सी की डीजल ऑटो बहुत चली मार्केट में, उन्होंने बहुत धूम मचाया। और डीजल ऑटो के बाद अब बैक्सी ने अपनी इलेक्ट्रिक ई रिक्शा लॉन्च कर दी है मार्केट में, और इसका नाम है इलेक्ट्रिक बैक्सी रथ। रथ के नाम से मार्केट में लॉन्च हुई है। और इसके जो पहिए हैं काफ़ी शानदार है, बहुत बड़े हैं, और पूरी मेटल बॉडी है, स्टील बॉडी है, और मजबूत गाड़ी है एकदम ज़बरदस्त। तो दोस्तों, इसके पूरे फीचर, चार्जिंग टाइम, कीमत और किलोमीटर कितने चलती है, हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। अगर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटे के बटन को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। भाई साहब नमस्कार, आपका नाम क्या है? प्रज्वल भावसार। प्रज्वल भावसार। प्रज्वल भावकर। भावसार। भावसार। अच्छा, इस साइड में साफ नहीं आ रहा यार। तो आप कितने दिन से चला रहे हैं इसको? डेढ़ साल हो गया भैया ये गाड़ी को। ये डेढ़ साल की चल रही है? हाँ। लेकिन लग तो नहीं रही डेढ़ साल से? ये अभी नई नई उठाई है, 15 दिन हुए ये वाले का। अच्छा, ये वाले को ये 15 दिन हो गया? हाँ। अच्छा, तो आपने कितने में लिया इसको? ये भी 175 में पड़ी है। 175,000 नगद में लिए? हाँ, नगद के। अच्छा, और इसकी जो चार्जिंग टाइम है, कितने देर में चार्ज हो जाती है? 8 घंटे लेती है। 8 घंटे चार्जिंग होने का? लेकिन 8 घंटे का टाइम तो बहुत ज़्यादा है ना, 8 घंटा पूरा चार्जिंग में टाइम चला जाता है। एक बैटरी भैया 2 घंटे लेती है। अच्छा, तो यानी कि इसमें 4 बैटरी है? 4 बैटरी है। 4 बैटरी चार्ज करने का जो टाइम है 8 घंटे लगता है। लेकिन 8 घंटा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी थोड़ा होना चाहिए। तो जल्दी होती तो भैया इनमें बैटरी ख़राब होने का डर रहता है, जितनी जल्दी होगी। अच्छा, तो ऐसे आपको किसने बोला कि जल्दी चार्ज होगी तो बैटरी ख़राब होगी? शोरूम वाले ने भी बोला है। अच्छा, तो आपने बैक्सी के क्यों लिया? मार्केट में तो बहुत सारी कंपनियों के ई रिक्शा है, ऑटो है, इलेक्ट्रिक वाली महिंद्रा है, आपे है, महिंद्रा कॉस्टली आ रही थी, इसलिए मैंने ये वाली ली है। मतलब क्या दिक्कत है महिंद्रा कैसी है, क्या दिक्कत है महिंद्रा में? महिंद्रा तो अच्छी आपे है। अच्छा, क्या क्यों अच्छी है, मतलब महिंद्रा में क्या कमी है, आपे में क्या अच्छा है, क्या महिंद्रा में मेन चीज़ क्या भैया कि कहीं भी ढोका गई वो गाड़ी। अच्छा, तो वो सर डायरेक्ट शोरूम पे होगी, और आपे ये गाड़ी है कि ये कई जगह भी हो जाएगी गाड़ियाँ। अच्छा, मतलब अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो पूरी फाइबर है। हाँ, फाइबर से वो सिर्फ महिंद्रा शोरूम में रिपेयरिंग, शोरूम में होगी, और ये कहीं भी हो जाएगी? ये कहीं भी हो जाएगी। अच्छा, तो जैसे आप इसको दिन भर चलाते हैं, तो कंपनी ने क्या एवरेज बताया, आप कितने किलोमीटर चला लेते? 120 किलोमीटर चलती है पूरी। 120 चलती है यार, क्या बात कर रहे हैं। जैसे आप बरसात का टाइम है, हेडलाइट, इंडिकेटर, वाइपर सब चलता होगा, लाइट भी जलती होगी? लाइट तो इसकी ये जलती है ना, LED लाइट है, तो इतनी बैटरी नहीं गाती भी, तब भी 120 चल जाती है। हाँ। अच्छा, जैसे आप 120 किलोमीटर चलाते हैं, तो आपकी इनकम कितनी हो जाती है, कमाई कितनी कर लेते हैं? हो जाते 1,200 रुपये रोज। 1,200 रोज की? अच्छा, जैसे आप फुल चार्ज करते हैं, तो चार्जिंग कहाँ, घर पे करते हैं? घर नहीं, इसका चार्जिंग पॉइंट बना हुआ है अभी। अच्छा, वहाँ पे करते हैं। कहाँ पे बना है चार्जिंग पॉइंट? हाँ, यूट्यूब। हाँ, तो कौन सी जगह पे आप चार्ज करते हैं, चार्जिंग पॉइंट कहाँ बना हुआ है? ये इसका भुतेश्वर पे बना हुआ है भैया, एक अंतिम चौराहे पे बना हुआ है। कहाँ पे? अंतिम चौराहा है, भुतेश्वर। तो कितना पैसा लगता है? आ जाओगे? कितना पैसा लगता है वहाँ चार्ज करने का? 120 रुपये भैया। कितने देर का ये फुल चार्जिंग का? 120 रुपये फुल चार्जिंग का। 120 बैठा हुआ सवारी बैठा हुआ आता। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये बैक्सी कंपनी की इलेक्ट्रिक ई रिक्शा है, जिसका नाम मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ बैक्सी की ब्रांडिंग मिल जाएगी, बैक्सी का लोगो मिल जाएगा। ये देखो, बैक्सी की ब्रांडिंग है। पीछे से गाड़ी काफ़ी हाइट है, और हेडलाइट मतलब ब्रेक लाइट है, इंडिकेटर है, पार्किंग लाइट है। कलर भी काफ़ी शानदार है, गाड़ी हाइट में भी काफ़ी शानदार है। भाई लगा रहेगा साइड में, बैठा हो नहीं बैठ रहे? तो ये पर्दे वगैरह आपने अलग से लगवाए हैं क्या? लगे हुए आए हैं। चलो बेटा, मैं आगे आ जाऊँगा।
दोस्तों आप हमारे साथ वीडियो में पूरा एंड तक बने रहें ताकि पूरी जानकारी आपको समझ में आ सके। चलो अच्छा भैया, इसकी स्पीड कितनी पकड़ दी? 40 की स्पीड है। 40 की फीस है। अच्छा, रिवर्स और फर्स्ट दो ही मोड है, स्पीड का कोई और ऑप्शन अलग से नहीं है? नहीं। अच्छा, तो अभी फुल एक्सीलेटर दिए होगे? नहीं, फुल नहीं, आधा है। आधा है। अच्छा, फुल में बैटरी ज़्यादा जाता। अच्छा, अगर फुल स्पीड में चलाओगे तो बैटरी ज़्यादा यूज होगी, ज़्यादा ख़त्म होगी। अच्छा, जितनी रेंज हो गया उतनी बैटरी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये बैक्सी कंपनी की ई रिक्शा है, और ये देखो सामने में जा रहा है, ये महिंद्रा की ट्रियो यारी इलेक्ट्रिक, और काफ़ी शानदार ई रिक्शा है दोस्तों। बैठने में एकदम कंफर्टेबल है, गाड़ी हाइट भी अच्छी है, सर में आपके लगेगा नहीं, टच नहीं होगा। तो जैसे इसका चार्जर वगैरह है, मोटर वगैरह, इसकी वारंटी कितने दिन की मिली है? 3-3 साल की सब चीज़ की वारंटी है। अच्छा, 3 साल की वारंटी है। अभी तक कुछ खराबी आई कि नहीं है, जैसे कुछ भी प्रॉब्लम चार्जिंग वार्जिंग कुछ नहीं? चार्जिंग होने में बढ़िया होती है चार्जिंग, चार्जर की भी गारंटी 3 साल है वारंटी। अच्छा, तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि बैक्सी अपनी पुरानी कंपनी है, जाना माना ब्रांड है। जैसे आप एक हाथ से चला रहे हैं तो बबलिंग करता है थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत। ये हर ई रिक्शा की यही परेशानी रहती है। हाँ, हर ई रिक्शा की यही परेशानी रहती है। देखो देखो, बता दो। तो जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। इसी प्रकार से जानकारी से भरपूर वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों अगर किसी को कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करें, वीडियो के बारे में अपनी सलाह दें, और किस विषय में वीडियो की आपको जानकारी चाहिए, कैसी जानकारी चाहिए, कमेंट करें। तो दोस्तों मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।